अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन और बजट बाट चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से काम हम बिजी होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बजीज के लिए जो मैंने सीड मिक्स बनाई थी और लव बर्ड की जो सीड मिक्स बनाई थी सर्दी गर्मी के हवाले से, तो उसमें जो जौ ऐड थे, जो के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी व्यूअर्स को समझ नहीं आ रही कि जो होते क्या हैं, काफ़ी व्यूअर्स जो हैं इनके इंडिया से हैं तो उनको समझ नहीं आई जो होते क्या चीज़ है, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाएँ। फ्रेंड्स, जो को इंग्लिश में बार्ली कहते हैं, बार्ली हिंदी में भी उसे जो कहते हैं, उर्दू में भी जो कहते हैं। तो आइए आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ और वो उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाद में आपको क्या कहते हैं कि उसे लाइव भी दिखाऊंगा, जो मैंने निकाल के रखे हैं या जो किस शेप में होते हैं जो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आए फ्रेंड्स, पहले पिक्चर मुलाहिज़ा करते हैं, देखते हैं आप, ताकि आपको कुछ वहाँ से समझ लग सके। ये देखें फ्रेंड्स, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं बीच में, ये बीज, ये जो है इसको इंग्लिश में बार्ली कहते हैं, BARLEY बार्ली। उर्दू में भी इसे जो कहते हैं, हिंदी में भी जो कहते हैं। इसकी आप शेप जो दे जैन की, इसकी जो डिज़ाइनिंग है नेचुरली तौर पे वो देखें तो वो बट वो जो है गंदम जैसी है, जो गंदम हम खाते हैं। जो के सत्तू भी बनती है, जो कि पाकिस्तान में शरबत बनाकर पिया जाता है। और जो इंडिया में व्यूवर्स हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद उन्हें पता लग जाएगा कि जो होती क्या चीज़ है। ये एक किस्म का अनाज ही है जो में विटामिन, मिनरल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो आपको इस वीडियो में कुछ पता चल जाएगा। विटामिन्स के लिहाज से जो अच्छा, और इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो आप अपने बर्ड को गर्मियों में यूज़ करा सकते हैं। इसके बेनिफिट हैं, नुकसान कोई नहीं है। ये आप अपने लव बर्ड को यूज़ कराएं, भले बजियों को, बजरी को यूज़ कराएं, मैं अपने बजीज को भी यूज़ करा रहा हूँ, लव बर्ड को भी। तो जो बड़ा आम सी चीज़ है जो कि तकरीबन दोनों ही कंट्रियों में पाई जाती है। ये देखें, इसकी जो सीटियाँ होती हैं या छलियाँ आप कह लें वो होती हैं, वो इस शेप की होती हैं। ये देखें सर फ्रेंड्स, ये निकले हुए जो हैं ऐसे निकाल के जो मैं आपको दिखाऊँगा, और इसकी शेप आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से होती है, जैसे कि गंदम की शेप है, यानी कि गंदम की वो जो सीटियाँ होती हैं या छलियाँ सी होती हैं उससे सेम उस तरह है। तो ये आप बिल्कुल मुलाहिज़ा कर रहे होंगे, ये देखें इसमें मिनरल्स भी हैं, अनाज न्यूट्रल भी हैं और मेन विटामिन भी हैं, जो कि इसमें ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा मकदार में, ज़्यादा क्वान्टिटी में पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। अब मैं आपको मेरे पास जो हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखें जो मैंने आपको पिक्चर्स में भी समझाने की कोशिश की, और अभी ये दिखाता हूँ दोबारा से कि इस शेप में होते हैं जो, ये देखें कुछ इस शेप में होते हैं या डिफरेंट शेपों में होते हैं, ये सब आपके सामने हैं। ये देखें, तो ये जितनी भी शेप है, ये जो बीच में ये लाइट गोल्डन कलर के से पड़े हुए हैं, ये जो हैं। और एक भाई ने कमेंट की कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है जो धान निकलता है, धान दूसरी चीज़ होती है, जो दूसरी चीज़ है। तो जो जब निकल जाते हैं पिक्चर में, आपने देखा कैसे लगते हैं, जैसे कि गंदम हो। अब मैंने निकाल के रखे हुए हैं जो, मैंने ऑलरेडी पहले निकाल लिए थे इन छिलकों से, ये छिलके हैं इसके ऊपर, ये देखें ये छिलका है इसका, ये फ्रेंड ये देख सकते हैं आप। ये इनके छिलके हैं, छिलकों से मैंने निकाल लिए हैं। अब जो मैंने निकाल के रखे हैं वो जो आपको दिखाता हूँ, ये देखें फ्रेंड्स। अब ये जो मैंने निकाल लिए हैं, आप देखें ये गंदम की तरह ही लगते हैं, ये देखें ये प्योर गंदम की तरह आपको लग रहे हैं। बट ये जो हैं, तो जो की हम सत्तू भी बना के पीते हैं और ये बर्ड के लिए भी अच्छे होते हैं। तो आप अपने बादशाला से बर्ड को यूज़ कराएं, इंशाल्लाह इससे आपके बर्ड को फ़ायदा होगा और आपके जो बर्ड हैं वो गर्मी से बचेंगे इनसे। और मेरे बर्ड तो खैर काइंडली शौक से इसे खाते हैं, तो आप देख लें। ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ,
उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फी मानिल्ला।